जी तैमूर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तैमूर, ऐसे है कि मैं ये सेशन ना रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसमें यह है कि फिर मैं उसको यूट्यूब वीडियो बना दूँगा ना। मैंने ठीक है, कहा, मुझे बताना था। अच्छा मैंने कहा आपको अगर नहीं पता तो मैं तो वैसे वो इल्म में होना चाहिए या बताना चाहिए ना। तो पहले तो जो सेशन कल किया था ना, उसमें थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई ना। मुश्किल इस वजह से कि मैं मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन इकट्ठे कर रहा था। अच्छा मेरे पास यानी कि कुछ बंदे मेरे पास इधर ऑफिस आए हुए थे और एक यही स्टूडेंट जो थे ये ऑनलाइन थे, तो उसमें फिर ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो फिर मैंने सोचा है कि ये एक दिन के बजाय 2 दिनों में करना चाहिए। यानी अगर कोई ऑफिस में आके मतलब कोई मदद लेना चाहते हैं तो वो जुम्मे वाले दिन आके मदद लें, तो बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं वो फिर यही हफ्ते वाले दिन। तो टाइम यही मैंने सोचा है 3 से 6 पाकिस्तानी टाइम। ठीक तो है। देखते हैं, ये साथ साथ ये कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर शायद आपने भी नाम सुना हो, OBS के नाम से सॉफ्टवेयर है। YouTube पे स्ट्रीमिंग करनी हो तो तब भी वो इसी सॉफ्टवेयर का रिकमेंड करते हैं। ठीक है, शायद आपने नहीं सुना। तो मुझे नहीं। अच्छा, इसमें ये दो काम कर सकते हैं ना, एक तो आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग पे आप पहले उसकी वो वहाँ पे YouTube पे जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको कीज़ और कुछ बताते हैं, पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर की सेटिंग में आके लिखने होते हैं। ठीक तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा इंदलीप, शायद आवाज़ नहीं जा रही। सर, अच्छा आप पूछ रही थी ना कि ये इसमें HTML APIs का, सर आ रही आवाज आपकी? अच्छा आप HTML APIs का पूछ रही थी ना। तो इसको मैं कह रहा था कि इसको सिर्फ आप गो थ्रू करें, ये जी मतलब इसको आपको सरसरी सा पता होना चाहिए जी कि सर, आगे अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ जाए तो आपको फिर इनको डिटेल के साथ तब करने की ज़रूरत है। यानी कि किसी, हो सकता है मुस्तकबिल में किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हो ना, तो आपको ये जियो लोकेशन सही ज़रूरत पड़ जाती है, या ड्रैग एंड ड्रॉप, वेब स्टोरेज, ये चीज़ें आपको फिर तब उसको इन डिटेल तब से करने की ज़रूरत है। तो वैसे ये है कि इस तरह की जी चीज़ें आपको ना कम ही फ्रंट एंड पे कम ही ज़रूरत पड़ती हैं। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको फिर आप सिर्फ गो थ्रू करें। जो आपके लिए ठीक है ज़्यादा ज़्यादा अहम सर। फिर आपके लिए ना फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें हैं ना। और सर ये जो इस ऊपर है HTML, सर ये जो इसके ऊपर है HTML मीडिया और वीडियो ऑडियो वगैरह, ये भी इसी तरह जस्ट जी इनको एक दफा चेकअप कर जी इनको लें? चेकअप करें, मतलब ये वाले जो इसके मेन सेक्शंस आ रहे हैं ना ये HTML ट्यूटोरियल के, ये ज़्यादा फिर अहम है। ये इसलिए जी इनको यहाँ तक तो ये, बल्कि जो HTML फॉर्म्स है ना ये भी ज़रूर करने हैं ये। बल्कि आपको अगर जब फॉर्म सबमिट होता जी है तो फिर आगे पाइथन पे या PHP, जो भी सर्वर लैंग्वेज है वहाँ पे आप डाटा रिसीव करते हैं तो वो फिर डेटाबेस में सेव करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह आनी चाहिए। ये दो चीज़ें, ये ट्यूटोरियल, ये फॉर्म्स हो गए, फिर ये ग्राफिक्स, मीडिया, APIs, ये इनको जी इन इन चीज़ों को सरसरी तौर पे पढ़ें। एग्जाम्पल्स तो ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो तकरीबन ये ऊपर ट्यूटोरियल के दौरान इन्होंने बताई है ना, तकरीबन वही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको वैसे दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू हो कर लें क्योंकि तकरीबन आपने की भी होंगी, तो रेफरेंस जो है ना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते ना, फिर आके इसमें आपको देख लें, आपको पता होना चाहिए किस जगह पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सही, मतलब सरसरी तौर पे इसको देखें तो ठीक है। अच्छा जी सर, फिर आप इसके बाद वो बूटस्ट्रैप करवाएंगे HTML और CSS के बाद बूटस्ट्रैप करवाएंगे? देखिए, ये चीज़ें इसके बाद हो सकती हैं, बूटस्ट्रैप जो है ना ये इसके साथ की जा सकती है, लेकिन आप खुद भी कर सकती हैं। CSS आप एक दफ़ा कर लेना,
वैसे तो बूटस्ट्रैप उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन जी रिकमेंड यही है कि आप पहले जो मेन चीज़ है ना उसको आपको पहले आना चाहिए। जैसे अब PHP के फ्रेमवर्क्स हैं, जी कोड इग्निटर है, केक PHP है, लैरवेल है, तो आपको वो फ्रेमवर्क्स आते हैं और मेन चीज़ नहीं आती तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो बूटस्ट्रैप में भी क्या है, उन्होंने CSS की क्लासेस को ही कंबाइन करके अपनी फाइल्स बनाई हैं, तो वो फाइल आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक स्टैंडर्डाइज उनको कर दिया है या बना दिया है एक स्टैंडर्ड। सही सही तो और कुछ सवाल? इसके बाद फिर आप लिनक्स पढ़ाइएगा। लिनक्स के तो ये है कि मैंने वो दो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी हैं। उसमें इंस्टॉलेशन का एक ट्यूटोरियल बनाया था और एक उसको जनरल यूज़ के लिए। वो आप ये दो चीज़ें चेक कर लें तो मेरे ख्याल है फिर मज़ीद। नहीं सर, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे आता है, जनरल चूज भी आता है सर। जो लिनक्स के सर्वर पर काम करते हैं उसके ऊपर आप कोई वीडियो बनाइए इस तरह का। उसमें भी देखिए आप एक काम तो ये करते हैं ना कि जैसे मैंने इधर अपने पास इन्वायरमेंट सेटअप की हुई है डेवलपमेंट, मतलब एक तो इस तरह की चीज़ है वो आप कर सकते हैं। जी बाकी आपकी मुराद ये है कि जिस तरह VPS को एक वो फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करते हैं वो मुराद है। जी क्योंकि जो कंपनीज अपने मतलब जिनका वेब एप्लीकेशन बड़ी हो या सेटअप बड़ा हो तो वही क्या करते हैं कि VPS सर्वर ले लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो फिर उसके ऊपर फिर ये है जी कि आपको आपको बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना वो मिल जाता है, जैसे उबंटू फ्रेश इंस्टॉल जिस तरह होती है या फिर CentOS फ्रेश इंस्टॉल वो मिल जाती है। उसके बाद आपने बाकी चीज़ें खुद करनी होती हैं, जैसे अपाची सर्वर है, MySQL, PHP, उसकी सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद फिर मैनेज करनी होती है। सही 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 तो वो एक मेरे जानने वाले हैं, मोहम्मद साद नाम है, मे बी आप भी उनको जानते हो। वो लिनक्स के सर्वर पे काम करते हैं, तो उनसे मैं मोस्टली सुनती थी। जी मैं जानता हूँ बिल्कुल, गालबन इस्लामाबाद में ही वो होते हैं। जी सर, मौलवी लिनक्स कहते हैं उसको। हाँ जी मजाकन बिल्कुल कहते हैं, मैं भी जहन में मेरे आ गया था, मैं दोहरा नहीं रहा था बस। तो यहाँ पे हम इसमें कर चुके हैं तकरीबन, मतलब इसमें मैं गो थ्रू ही कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ये आसानी है। और अभी आपका कोई सवाल है? और इससे अच्छा रिलेट सर, ये जो इसमें सर, ये जो इन लाइन है इसमें, इसका क्या चीज़ इनलाइन CSS? सर, इन लाइन ब्लॉक एंड इन लाइन। हाँ जी, इसमें देखें छोटा सा डिफरेंस है, जो ब्लॉक एलिमेंट्स है ना वो क्या करते हैं कि जब स्टार्ट होते हैं तो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, और जब एंड होते हैं तो वहाँ पे वो नई लाइन का मार्क डालते हैं। जी इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स उससे ब्लॉक एलिमेंट से पहले होंगे वो नई लाइन पे होंगे, और ब्लॉक एलिमेंट जब स्टार्ट होगा वो खुद भी नई लाइन से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो भी नई लाइन पे होंगे। इन लाइन जो है ना वो न्यू लाइन मार्क नहीं डालता है। आप समझें कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स है वो शुरू में br उसके लगा हुआ है ब्रेक, और एंड पे भी ब्रेक लगी हुई है। सही जी सही। तो मैं सर नेक्स्ट फ्राइडे तक ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप इसमें से टेस्ट ले लीजिएगा। जी आप खुद इसका टेस्ट जो है ना खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा, यहाँ पे इसकी के कोर्स के आखिर में ना ये आ रहा होगा, जिस तरह ये HTML क्विज आ रहा है।
सही है। जी सर, वो जितने मैंने किए हैं ना उनकी 7 वो सुसाइड किए हैं। क्या चीज़ की है? सर उनकी एक्सरसाइज जो नीचे थी वो सारों की किए, मतलब अच्छा जितने सही मैंने है, टैग्स किए हैं ना उन सारों की। ठीक है। और आखिर में ये क्विज़ फिर आपने करना है, ये पूरा हो जाए ना, HTML क्विज़, ये जो लिंक नज़र आ रहा है आपको। जी वैसे तो आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे ना, तो जी वो जी खुद जी भी आ रहा है आपको सर। रिकमेंड करेगा कि आप इसका क्विज़ लें। ठीक है सही, ठीक तैमूर, आपका कोई सवाल है? है सर। नहीं चाचू, फिलहाल नहीं है। अच्छा सही है। चलें फिर, आपको ये चीज़ें तो मेरे ख्याल आपके भी की अभी शायद काम की नहीं है, ये जो टैग्स, बहुत बेसिक टैग्स हैं ना ये। चाचू मुझे कहना है। जी आपको कह रहा हूँ। हाँ चाचू, हम लोग फिलहाल HTML यूज वगैरह नहीं करते, तो मेल वगैरह नहीं करते। जी सर, अच्छा तैमूर, आप फिर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? मैं उसी सेल्स फोर्स के अंदर काम कर रहा हूँ। ज्यादा मैं नहीं ये पर इस्तेमाल करते हैं, जो जावा से मिलती जुलती लैंग्वेज है। थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट भी है, लेकिन बहुत सारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर काम नहीं है, क्योंकि वो पहले प्लास्टिक में ज्यादा यूज करते थे। लाइटनिंग जो वर्जन निकल रहा है उसमें थोड़ी सी कम कर, सही तो है। होता क्या है कि वो ये होता है प्रोसेसेस बनाने हैं, फ्लोज बनाने हैं और इसी तरह का, या फिर वेरिफिकेशन बना के कुछ कुछ फार्मूलाज वगैरह ऐड करते हैं, ज्यादा ये चीज है। ये हम बीच में कह लें कि जो टैक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अगर हम कह लें कोई बना रहे हैं डॉक्यूमेंट जिसको हमने PDF में कन्वर्ट करना है, तो वो सही, इससे ज्यादा अच्छा बन जाता है कि टैग इस्तेमाल करके ना, फिर डिजाइन उसकी अच्छी आराम से होती तो है। तैमूर, मेरे से PDF डॉक्यूमेंट बनाना है। तो आपकी दिलचस्पी है इस तरह ऑनलाइन सेशन करने में, जो आप काम कर रहे हैं या कुछ चीज़ें जो आपको आती हैं इस तरह की? मुझे सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि ऐसे होता है बैठे बैठे। बेशक पहले पे ऐसी चीज नहीं जो मुझे फौरन इस्तेमाल करनी है, लेकिन नॉलेज तो कहने इंक्रीज होता रहता है ना। ये बात तो है, सही है। चलें अब कभी। मैं वैसे आप, हाँ जी, अब मैंने आज के वैसे ही सुना था उसका नाम, वो मुझे नाम भूल गया है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट एक वो प्लगइन है जो ग्राफ्स वगैरह बनाने में, क्या नाम था उसका पता नहीं, नाम उसका भूल गया। लेकिन इससे कहने कोई ना कोई चीज साथ साथ सुनने ठीक को मिल है। जाती है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं होता, तो इसलिए अच्छा थोड़ा सही बहुत है। कोशिश करता हूँ इस तरह के टॉप ट्रेंड। मैं आजकल फ्लैटर जो है ना, इसके बारे में ये चीज़ें देख रहा हूँ ना। फ्लैटर कोशिश हम कर रहे हैं कि अपने पास सेटअप करें और उसको चेक करें ना। फ्लैटर आपने नाम सुना है मैंने तैमूर? शायद आपको सुना था आपकी दफा। अच्छा, सही है। ये इन्होंने ऐसा टूल बनाया है ना कि आप इसमें डेवलपमेंट करें तो ये आपको एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप बनाने की सहूलत देता है, और इसके साथ साथ वेब ऐप भी बन सकती है। सही है, वो किसी भी कहते हैं इंस्टॉल हो जाता है कहते हैं विंडोज वगैरह के अंदर, या मस्ता तो नहीं करता नहीं, विंडोज़ के लिए तो नहीं, मैक के लिए। शायद शायद विंडोज़ के लिए फ्यूचर में उनके कोई हैं टारगेट, विंडोज़ X शायद उसके लिए। अभी किसके लिए है? अभी तो ये एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए और वेब के लिए। मतलब वेब के लिए अगर बन रही है तो फिर तो मतलब वही है कि ये जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम 3 हैं उन सब के लिए तो है ही है। नहीं, मैं मतलब सवाल ये था कि क्या वो विंडोज PC के नहीं बंदा इंस्टॉल करके उसको आगे यूज कर सकता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकता है? ये नहीं पता मुझे। मैं तो वैसे लिनक्स पे कर रहा हूँ, उसके डाउनलोड किए हैं वैसे चीज़ें, कल कुछ किए हैं, बाकी इंशाल्लाह अभी मंडे को फिर उसको इंस्टॉल वगैरह करेंगे। होता है ये ठीक डेवलपमेंट इसी के अंदर है, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही डेवलपमेंट करनी है। है, अच्छा ठीक बहरहाल देखते हैं क्या, मतलब बाज़ाहिर तो लग रहा है कि ये जैसे जैसे थोड़ा सा और वक्त गुजरेगा तो इन्होंने अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट करनी है। अभी भी काफ़ी काम कर लिया इन्होंने। है। मुझे शायद शुरू से पहले से ही आपका जब सेशन ज्वाइन किया था मुझे लैपटॉप से कर लेना चाहिए था, मेरे पैर अपने मोबाइल से। अच्छा ठीक है, अच्छा अपने पीसी लैपटॉप पर कर चाहूँ अच्छा आपने ज़्यादा पहले नहीं कभी तो ये ठीक है इस्तेमाल की अपने। है, गूगल मीटिंग पहले इस्तेमाल की है आपने? नहीं चाचा, मैंने नहीं किया। हम लोग ज़्यादातर टीम्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कि
स्टार्ट लीफ के नाम से ही एक है, लेकिन मैं उसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया। मेन ये हम टीम्स इस्तेमाल करते हैं, पहले वो इस्तेमाल मैंने एक और इस्तेमाल किया जूम के नाम से। हाँ हाँ, जूम के नाम से इधर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और फिर ये है, और टीम्स ये मैंने नाम सुना है लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, काफी ले और इसकी मेरे ख्याल अच्छा है लोग। और उसकी मेरे ख्याल है उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए दी हुई है डाउनलोड की ऑप्शन, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल हमारे है ऑफिस में यही ये यूज होती है ना, ज्यादा टीम्स इस्तेमाल करते हैं। जूम ही है कि वो एक और कस्टमर है, वो लोग यूज जूम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसके अलावा ये पहली सही है, सही है। तो पता करो अच्छा ही है, ठीक है अभी। सही। आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं? अब बस मेरे जहन में तो यही था तैमूर, कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी इस तरह ऑनलाइन सेशन करें, मतलब जो आपको चीज़ें आती हैं। बाकी आप मतलब अगर सर्वे करें या लोगों से डिस्कस करें तो आप देखेंगे बहुत से लोगों को चीज़ें नहीं आती हैं जो आप कर रहे हैं। मतलब आप उसमें वो जो आप कंपनी का काम है ना, उसकी वो प्राइवेसी और वो सारा मैनेज करके ना उस तरह ठीक फिर करें ना। है, इस तरह के एनवायरमेंट से रखते हैं बने हैं जो क्या है कंपनी से वो नहीं है ना। यदि मैंने अपनी डेवलपर और एनवायरमेंट बना पाया, उसके अंदर कंपनी से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है, वो खाली से सीखने के लिए बना, मतलब यूज कर सकता है ना। जी सही। और मेरे ख्याल है यहाँ पे इतने लोगों को नहीं पता ये सेल फोर्स पे किस तरह काम है या नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता। आपको दिखाता हूँ फिर क्या। नहीं, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप एक लाइव सेशन करें ना, यूट्यूब लाइव पे कर लें, या इसी तरह नहीं है लाइव सेशन में मसला है। मसला तो कोई नहीं है, आपने ठीक है वैसे सोच रहे अभी आप अभी तक देखो। एक वीडियो बनानी है, वो लिनक्स को इंस्टॉल करने वाली पेंडिंग जो है। जिक्र कर रहे थे मैं भी कि सोच रहा था, मैं कर दो तो बनी हुई है, तीसरी तो मैंने बनाई कोई नहीं। सही है, चले वो आप पे उधार है, आपने करना है। तो ये बस मैं सोच रहा था कि वैसे तो ज़्यादा अच्छा तो ये है ना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो जाए ना, उसके लिए फिर आप मतलब पता है तो जवाब दें, नहीं तो मिलके ढूंढते हैं। क्योंकि हम जो डेवलपमेंट करते हैं तैमूर, आपके भी ऐसे ही तजर्बा होगा कि आपको कुछ चीज़ें आती होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती, वो फिर आप उसी वक्त सर्च आउट करते हैं, गूगल करते हैं, और साइट्स जो हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस देखते हैं। सही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से यही होता है कि 30% के आने शायद आपका आता होता है बकाया, 70% आप सर्च कर रहे होते हैं। जी वही, मैं खुद अपना जो प्रोफेशनल वर्क कर रहा होता हूँ, कभी PHP.NET पे जा रहा होता हूँ, और कभी W3 School पे भी आ जाता हूँ, और मतलब ये रेफरेंसेस वगैरह चेक करने के लिए एग्जांपल्स। कभी कभी आपको भूल जाता है ना सेंटेक्स क्या है, किस चीज़ का पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। बिल्कुल, अगर कॉन्सेप्ट मेन होता है कि वो आपको एक दफा जब आ जाता है तो फिर आपको आसानी हो जाती है। मतलब सर्च तो करता है लेकिन तो मुझे को पता होता है ना कि मतलब क्या चीज सर्च कर रहा है। अब जैसे मुझे कभी एक बार कहता है एपेक्स के कौन सी कौन सा मेथड है जो बताता है लिस्ट में अपन एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, क्यों बोल जाती है अपना मेथड मेथड भी बना हुआ कुछ का करके साइज पर चेक करना पड़ता। अभी मैं बोला शायद इस एम्प्टी के नाम से, इसका तो पूरा सिंपल सा है ठीक है, लेकिन बेसिक्स है मुझे नहीं याद रहता। भूल जब मैंने जाते करना होता है तो मैं उसको जल्दी से सर्च कर लूँ, मुझे बिल्कुल, भूल ऐसे ही जाता है है, अपने शब्द। ऐसे ही है। यही जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो चले आपको याद रह जाती हैं, लेकिन ये वेब डेवलपमेंट में मैंने देखा है इतने टूल्स हैं। अभी मैं CSS का एक चीज़ कर रहा था, तो मैं उसको सही है, मिक्सअप कर गया हूँ एट्रीब्यूट के साथ। एट्रीब्यूट का सेंटेक्स क्या है, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल साइन वैल्यू। तो CSS की प्रॉपर्टी की ये है कि वो CSS आप लिखते हैं प्रॉपर्टी का नाम कॉलन और वैल्यू फिर सेमी कॉलन, लेकिन मैंने उधर कॉलन की जगह इक्वल लिखना शुरू कर दिया है, भूल गया। सही है। और फिर वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ट्राई कर रहा था, वहाँ पे हो रहा था, मैं सोच रहा था उधर क्यों नहीं हो रहा है, डिफरेंस क्या है। बल्कि मैं देख रहा था, मैंने लिखा हुआ तो बिल्कुल ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी थी ना बैकग्राउंड डैश कलर, सही वो मैं देख रहा था स्पेलिंग तो मैंने ठीक लिखे हुए हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। तो बहरहाल आप ये कि गलतियां करते हैं। अब मैं चंद दिन पहले कंपनी का काम कर रहा था, उसमें एक मेजर गलती की मैंने, काम छोटा सा अच्छा था
मैंने क्या किया कि जो एक आप समझे ना एक्सपोर्ट वन के नाम से आप समझे एक एक्शन था, तो उस पे वहाँ पे उसके फॉर्म के एक्शन में भी एक्सपोर्ट वन ही लिखना था, मैंने गलती से एक्सपोर्ट टू लिख दिया और मैं अज्यूम कर रहा था कि ये एक्सपोर्ट वन पे ही आएगा और जो फॉर्म सबमिट होता है उसके कोड में हम वो सारा प्रोसेस करके फिर उसको रीडायरेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट टू के ऊपर। तो मैं फॉर्म को चलाता था तो फॉर्म डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू पे चला जाता था। मैं अब ये सोच रहा था कि मेरे शायद कोड में कोई गलती है, सबमिट के जो फॉर्म सबमिट का कोड है ना वहाँ भी कोई गलती है, तो वो स्किप कर जाता है उसको ना कोड को। तो मैं कई घंटे उस पर करता रहूँ काम के, उस पर मैं कहता हूँ कि मैं लगाता हूँ एग्जिट लगाता हूँ वो भी नहीं चल रहा, मैं कहता हूँ ये कैसा कोई अजीब सा मतलब एरर है, वो तो असल में वहाँ पे जा ही नहीं रहा था क्योंकि कैसे मैंने मिला डायरेक्ट था? डायरेक्ट उसको जो फॉर्म का एक्शन दिया था उसको मैंने लिखा ही एक्सपोर्ट टू था, वो तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू पे जा रहा था डायरेक्ट, जबकि मेरा मकसद तो ये था ना कि वो फॉर्म एक्सपोर्ट वन पे ही जाए और उसमें जो प्रोसेसिंग में मेरा कोड है वो चले फिर उसको रीडायरेक्ट वहाँ पे करे। तो वो मेरे कई घंटे इस पे गुजर गए, छोटी सी चीज़ थी एक, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है आपको छोटी सी चीज़ धोखा दे जाती है। किसी जी और जी ने बताया फिर था काफ़ी कि सर खपाया तो बताया फिर पता तो लग ही गया कि असल में मसला ये था ना, मुझे ये समझ आ रही थी कि उसमें वो जा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर वो जा रहा होता एग्जिट का कोड तो फिर चलता, एग्जिट वहाँ पे मैंने फॉर्म के जो पोस्ट हो रही थी ना उसमें एक्शन जब प्रोसेस करना था वहाँ पे मैंने एग्जिट और डाई ये लिख के सारे चेक किए, तो जब वो नहीं चले तो फिर मुझे हुआ कि ये उसमें जा ही नहीं रहा है। पहले तो ये था कि उसको बाईपास कर रहा है, किसी कोई ऐसा मतलब सिचुएशन हो गई है जो कि होनी नहीं चाहिए। है। तो सेंटिक्स आपका मिक्सअप हो जाता है, तो फिर यही है कि आपको एक दफ़ा देख लेता है। मैं तो बल्कि अक्सर तैमूर ये करता हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ तो पुराना जो कोड है ना वो कॉपी पेस्ट करके उसको एडिट करता हूँ, कोशिश मेरी ये होती है बिल्कुल पुरानी। बात करती है। मैं जी भी बीच में एक चीज ऐसी बनाई हुई है, कुछ सिमिलर कुछ चीज बनानी हो तो मैं उसको कोड रीयूज कर रहा हूँ काफी। बजाय इसके आप स्क्रैच से लिखे ना उसमें आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, तो आपका एक टेस्टेड कोड होता है वो वाली फाइल में खोल लेता हूँ, मैं याद करता हूँ ये मैंने लास्ट टाइम किस जगह पे किया था कहाँ, तो वहाँ से वो कोड ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करके उसको फिर एडिट कर लिया अपने हिसाब से। हम लोग बीच में लाइटनिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे करता हूँ। मैंने एक दफा एक कंपोनेंट को काफी अच्छा करके बना लिया, सही है सारा डिजाइन वगैरह करके, बीच में फिर फील्ड्स वगैरह चेंज करनी होती है कि जिसको वो पॉइंट ठीक करनी होती है ना, और ठीक है ठीक तो उसके साथ एक्स्ट्रा कोड भी चेंज और होता है, लेकिन मेन जो कहना कंपोनेंट का डिजाइन है वो मैं उधर सुनता। सही है। अक्सर लोग ये करते हैं कि ये एडमिन पैनल का ना एक वो टेम्पलेट सी बना लेते हैं तो वो फिर उसी को एडिट करते रहते हैं। टाइम भी सेव होता है, बेहतर ही बना रहा होता है, मतलब को पता होता है कि काम करेगी ना, मतलब टाइम जाए वेस्ट नहीं करता। जी वही फ्रॉम स्क्रैच लिखने पे देर लगती है ये बात है, क्योंकि आपकी वो फिर चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं, जिस तरह वो डेटाबेस से क्यूरी है वो वाकई रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप उसको एको करवाते हैं या डिस्प्ले करवाते हैं, फिर उसको कमेंट करते हैं, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। तो चलिए ये तो अभी मैं फिर ये क्लोज ही करता हूँ क्योंकि 3 से 6 का टाइम दिया हुआ था, तो बस वो तकरीबन 6 होने लगे हैं। ठीक है तैमूर, मैं ना दिलीप जी मैं हम फिर ये क्लोज कर रहे हैं ना सेशन, ठीक है? चलिए ठीक है सर, फिर नेक्स्ट ओके मिलते तैमूर, हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अशोक, दिलीप, अल्लाह सही है ठीक हाफिज़। है, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम।